पकड़ के होल्ड करके रखना है तो आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। इनका काम ये होता है लैंगन बैक रिट्रैक्टर। ध्यान रखना, इमेज दिमाग में बिठा लो, छप जानी चाहिए, इतने आसान इतने प्यार से आपके सामने। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेके आए वो उस वीडियो में बात करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो ओपन सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जो एग्जाम हमारे अभी गवर्नमेंट पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के आने वाले हैं उससे पहले आप ओपन इंस्ट्रूमेंट की एक इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब दिखाने वाला हूँ, इंस्ट्रूमेंट विद इंस्ट्रूमेंट नेम, ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे तो आपके सामने एक इमेज आएगी और उसमें कहा जाएगा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। तो आज हम वही और प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंट साथ के साथ, और ये आपके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर्स जो है हमारे उनके भी काम आने वाली वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, आज का कंटेंट आपके साथ। आइए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये होती है बाउल, इसको बोला जाता है बाउल। ऐसे हम हिंदी में कटोरी भी बोलते हैं, लेकिन बाउल जो सर्जरी में यूज होते हैं बीटाडीन वगैरह डालने के लिए, जब पेंट करते हैं तो उस टाइम इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये होती है किडनी ट्रे, देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है किडनी ट्रे। इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगी और आपको दिखाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है। किडनी ट्रे है क्योंकि किडनी के शेप में होती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी हमारी होती है उसके शेप में होती है, इसीलिए इसको किडनी ट्रे बोला जाता है। क्लियर है, चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अब ये पता है ये क्या है, ये है स्पंज होल्डर, जो सर्जरी में सबसे पहले, अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है पेंट करने के लिए, तो इसको बोला जाता है स्पंज होल्डर। ये देखो कैसा है, देख पा रहे हैं, ऐसा होता है स्पंज होल्डर। क्लियर है, अब चलते हैं, ये है हमारी, इनको क्या बोला जाता है, ये है इंटेस्टाइनल क्लैंप। क्लियर है, इंटेस्टाइनल क्लैंप है, ये ऐसे दिखती है। आप अपने दिमाग में छाप लेना, जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से अगर दो सवाल भी आ गए इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो समझ लो मेरी वीडियो कामयाब होगी। और वीडियो पे अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो और इस टाइप के कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं, और आजकल तो हमारे साथ जो चल रहा है, हम रिक्वेस्टेड वीडियो बना रहे हैं, जो हमसे मांगा जा रहा है हम वो वीडियो उनके लिए बना के दे रहे हैं। तो ये भी वीडियो मुझसे मांगी गई थी, इसलिए मैं स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट और जो काफ़ी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके बेहद काम आएगी। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल क्लैंप है, क्लियर है। देखिए अब ये होती है सेटिन स्कीम, देखिए इसको बोला जाता है सेटिन स्कीम। ये इस तरीके से होती है, देख लीजिए इस तरीके से सेव होती है इसकी और ऐसे लॉक हो जाती है। क्लियर है, सेटिन स्कीम। ये क्या है, इनको बोला जाता है एस रिट्रैक्टर। क्या है ये, एस रिट्रैक्टर, ध्यान देना। इस तरीके से अगर छपा हुआ कुछ आता है तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा एस रिट्रैक्टर। ये है नॉन टूथ फोर्सेप। क्या है दोस्त, नॉन टूथ फोर्सेप, याद रखना नॉन टूथ है। इनमें खासियत क्या है कि जो इधर जो है इधर कोई टीथ नहीं है। अब ये है नॉन टूथ फोर्सेप, इसका नाम है। क्लियर, ये साइज में बड़ा है, इसके अलग अलग साइज भी होते हैं, ये छोटा साइज भी। क्लियर है, ये इसको बोला जाता है वेन रिट्रैक्टर। वेन रिट्रैक्टर देख लीजिए, इस तरीके से दिखता है। वेन रिट्रैक्टर क्या करते हैं, वेन को रिट्रैक्ट करता है, होल्ड करता है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये होता है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर क्या काम करता है, फोर्सेप्स के साथ मिलकर ये सूचरिंग करवाता है। क्या करवाता था, सूचरिंग, ये नीडल होल्डर है, सूचरिंग में हमेशा काम आता है। क्लियर है, चलते हैं। आप देख रहे हो, ये देखो इसमें टीथ है, दिख रहे हैं ना, ये वाले ये टीथ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टूथ फोर्सेप्स। क्लियर, हम साथ के साथ आपको समझाते चलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में ना इस तरीके से छप जाने चाहिए ना इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि आप देखते कि अरे ये तो वो है, मतलब आपने करके ही जाना है, इसको छोड़ना ही नहीं। अब ये क्या है, ये है डिबेकी फोर्सेप। देखो शेप देखोगे तो आप ये दोनों सेम से दिखेंगे आपको, टूथ फोर्सेप, ओ सॉरी नॉन टूथ फोर्सेप और डिबेकी, देखिए इस तरीके से सेम दिख रहे हैं। डिफरेंट क्या है इनमें, डिफरेंट क्या, ये देखिए इसकी शेप देखिए, ये विदाउट टूथ फोर्सेप है, यानी नॉन टूथ फोर्सेप, इसकी शेप इस तरीके से, ये जो इस तरीके से जा रहे हैं। अब वहीं मैं बात करूँ डिबेकी की,
डिवे की 470, ये आप देख रहे हैं डिवे की, डिवे की में इस तरीके से है, इस तरीके से डिवे की में है और नॉन टूथ में इस तरीके से है। दोनों का डिफरेंस दिखते सेम है लेकिन इनके आगे की उससे आप समझ जाना कि किस तरीके के क्या डिफरेंस है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। ये भैया ये क्या है, ये है बीपी हैंडल। क्या है ये? बीपी हैंडल। बीपी हैंडल क्या होता है? ब्लेड पार्कर। क्या काम करता है? जो ब्लेड होता है इंसिजन ब्लेड, इसमें लगाते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे एक शेव है ना, यहाँ पे ब्लेड लगा लेते हैं। ब्लेड लगाने के बाद इंसिजन देने में हेल्प करता है, इंसिजन इसी से दिया जाता है। ये बीपी हैंडल अलग अलग साइजेस के होते हैं। अभी जो है ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये जो है ये 7 नंबर है। इनमें ब्लेड के साइज अलग अलग लगते हैं, तो वो हम आगे आपको बताएंगे कभी जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जो थ्योरी है इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग ओपन इंस्ट्रूमेंट के, उसे हम क्लियर करते चलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? याद रख लेना बीपी होल्डर यानी कि ब्लेड पार्कर। क्लियर है? ये क्या है? छोटा सा है लेकिन बड़े काम का है। ये बोला जाता है बुलडॉग। क्या है इसका नाम? यह है बुलडॉग। क्लियर है? अब चलते हैं भाई। इसको तो आपने देखा ही होगा, मतलब घर में भी दिख जाती है, सब जगह दिख जाती है। क्या है ये? सीजर। सीजर क्या करती है? खट 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 काटने का काम करती है। क्या है सीजर? ये कर्व्ड है। सीजर भी अलग अलग होती है, सवाल आपके सामने आएगा। ये कर्व्ड है, आगे से मुड़ी हुई है इस तरीके से, सेव इस तरीके से। क्या है? कर्व्ड सीजर, कर्व्ड। ये भी कर्व्ड है, दो तरीके की। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट सीजर की। ये देखो, ये है स्ट्रेट, टिक 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 स्ट्रेट। स्ट्रेट में कर्व्ड में क्या डिफरेंस हुआ? ये देखो, ये वाली कर्व्ड है तो ये इस तरीके से, ये स्ट्रेट है यानी कि सीधी है, यही डिफरेंस है। और अलग अलग सीजर होती हैं, एक टिश्यू कटिंग सीजर होती है, एक सूचर कटिंग सीजर होती है। ये टिश्यू कटिंग है, कर्व्ड सीजर, टिश्यू कटिंग सीजर। क्लियर है मेरे भाई? चलते हैं आगे की तरफ। और ये एंगल्ड सीजर है, कोट सीजर भी बोला जाता है, एंगल्ड सीजर। एंगल टक्कर देती है, देख रहे हो ना, टक्कर देती जाएगी। अगर कोई सीधी सी भी नहीं मिली है, सीधे से काटने के लिए नहीं हो नीचे की तरफ, तो इस तरीके से जाओ, कट कर कट देती, कट कर दो। क्लियर है? ये है आपकी टॉवल क्लिप। क्या बोलते हैं इनको? टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप है, क्या करती है? ड्रेप को क्लिंप करने का काम करती है। जब सर्जरी स्टार्ट होनी होती है, जो आप ड्रेपिंग करते हो पेशेंट को, सीट उड़ा दो, उनको इस तरीके से क्लैंप कर लेते हैं। ये ऐसे के इस तरीके से, ये इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं एक तरीके से। मतलब अब ना इनको छुटा नहीं सकते आप, बड़ी खतरनाक है, छुटा नहीं सकते, ब्लीडिंग कर जाएंगे लेकिन छुटेंगे नहीं। तरीके से इनके प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, इनको क्या बोलते हैं? टॉबल क्लिप। देख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, टॉबल क्लिप। क्लियर है? और भी मैं कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखा देता हूँ, काफी लेके आऊँ मैं, पता आपकी तैयारी के लिए। ये देखो बड़ा है, जल्दी जल्दी मैं बता दूँ, निडल होल्डर है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो छोटा था, ये लॉन्ग निडल होल्डर है। ये क्या है? ये है दोस्त राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये क्यों? क्योंकि एंगल्ड है, इस तरीके से गया और ये एंगल्ड हो गया, राइट एंगल। दिमाग में बिठा लो, सोच लो, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाने वाले हैं आपसे। कुछ कुछ टेढ़ा दे देंगे, कुछ सीधा दे देंगे और कहेंगे ये बताओ ये क्या है। तो ये है हमारा राइट एंगल। क्लियर? मैं आपको धीरे धीरे और जल्दी, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए, आपको चीजें ना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने शेयर करता चलता हूँ। ये क्या है? ये है एलिस फोर्सेप। देख लीजिए आप, एलिस फोर्सेप क्या है? ये है एलिस फोर्सेप। एलिस है, क्या काम करता है? टिश्यू को या होल्ड करने का, इस तरीके से। ये एलिस है। एलिस का क्या होता है कि आगे टीथ होते हैं इसमें, एलिस में आगे टीथ होते हैं। क्लियर है? ये है बैबकॉक। क्या है मेरे भाई? बैबकॉक। ये देख लीजिए, इस तरीके से दिखता है आपका बैबकॉक फोर्सेप। आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको काम करेगा। सॉरी, फोन आ रहा था बार बार, चलो ठीक है, अभी वो खुद ही रुक गया। तो ये क्या है? ये है बैबकॉक। देख लीजिए, इस तरीके से दिखता है बैबकॉक। ये इस तरीके से काम करना, टक 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 पकड़ने का, होल्ड करने का, इस तरीके से बैबकॉक। क्लियर है? अब ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये है कॉकर फोर्सेप। क्या है दोस्त? कॉकर फोर्सेप। कॉकर में क्या है? ये देखिए, यहाँ पर टीथ है आगे की तरफ, क्लैंप करने का भी काम करता है सिजेरियन में। जब क्लैंपिंग का नॉर्मली इसका काम है, ये है
कॉकर फोर्सेप, आगे की तरफ टीथ है पकड़ने का, स्ट्रेट कॉकर फोर्सेप। क्लियर, दिमाग में बिठा लो इस तरीके का। अगर आपके पेपर में सवाल आया तो आपने फटाक्ष आंसर देना, क्या करना है, कॉकर फोर्सेप। क्लियर, अब आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आती है, क्या है ये हमारी, ये हमारी है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप, एक मिनट दोबारा से आ रहा है, दोबारा साइलेंट कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है आर्टरी फोर्सेप, ये लॉन्ग आर्टरी है, इसको कैली आर्टरी भी बोला जाता है, और ये है मीडियम आर्टरी, देख रहे हो, ये मीडियम आर्टरी है। क्लियर, और इनकी एक छोटी सी बहन और होती है जिसको बोलते हैं हम मॉस्किटो आर्टरी। क्लियर, ये तीन है, देख लो अलग अलग साइज की होती है, बड़ी वाली को लॉन्ग आर्टरी बोलते हैं जिसको कैली आर्टरी भी बोला जाता है, दूसरी मीडियम आर्टरी है, और तीसरी आपकी स्मॉल आर्टरी। क्लियर, आर्टरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद कर लेना, पूछा गया तो भाई सवाल को जरूर करके आना, मेरी इंसर्ट मत करा देना कि आपको पता थी हमने वीडियो बनाई, और आप मेरे काफ़ी टाइम से मेरे साथ बने हुए, तो आपको अच्छे से मेरी जिम्मेदारी है कि आपके दिमाग में वो कहिए ना किसी ने, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि हम जो बताएं आपके दिमाग में ना बैठ जाना चाहिए, इस तरीके का हमारा तरीका होना चाहिए, आसान तरीका। क्लियर है, और तो इसमें मुझे जो दिख रहे हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँ, हाँ इनको ये देख लीजिए, ये है लैंगन बैक रिट्रैक्टर। क्या है ये, लैंगन बैक रिट्रैक्टर, इनको बोला जाता है लैंगन बैक रिट्रैक्टर, रिट्रैक्ट करने का काम करता है। इस तरीके से कोई टिश्यू है कुछ आपने पकड़ना है, जैसे ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये आपने पकड़ के होल्ड करके रखना, तो आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो, इनका काम ये होता है लैंगन बैक रिट्रैक्टर। ध्यान रखना, इमेज दिमाग में बिठा लो, छप जानी चाहिए, इतने आसान इतने प्यार से आपके सामने में छप जानी चाहिए लैंगन बैक रिट्रैक्टर। और तो इसमें कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से है नहीं, और कुछ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो आपके बहुत काम आएंगे, मतलब कुछ कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखे भी नहीं होंगे, जैसे कि मैं ये दिखा दूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपने देखे होंगे इस तरीके के भी आते हैं, थोड़े से ना टफ क्वेश्चन जो टफ इंस्ट्रूमेंट हैं उनको मैं थोड़ा बाद में लेके आना चाहता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना। अभी एक सिंपल तरीका रहा, आपको नॉर्मल जो रूटीन वाले जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब मैंने आपको दिखाए, कुछ जो आगे के रिट्रैक्टर्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में एक और वीडियो लेके आएंगे, तो इस टाइप के से देखा खांचे खांचे रहते हैं तो गंदे, बस यही यही वाले जो इंस्ट्रूमेंट है इनके हम दोबारा आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, और अच्छे से लेके आएंगे और बढ़िया लेके आएंगे। ऐसे और भी जितने हैं जो इंस्ट्रूमेंट बच रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते सवाल, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर सो मच, आप मेरी वीडियो पर इतने टाइम रुके रहे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो वीडियो अगली आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।